हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से। उसी शहर के एक छोटे से गली में एक लड़का रहता है सुमित। सुमित जिस गली में रहता है उस गली के दो दोस्त और आजू बाजू के गली के दो दोस्त, कुल पांच दोस्त थे। रोज शाम को ये अगल बगल के गली मोहल्ले का चक्कर लगाया करते थे। शाम को एक एक घंटे चौक चौराहे पर बैठा करते थे। हालांकि पांचों दोस्त बहुत सुंदर है दिखने में, पर सुमित थोड़ा सा मासूम और क्यूट है। सुमित थोड़ा अलग है पांचों से, मतलब पांचों को कोई साथ में देखेगा तो सुमित उनमें अलग नज़र आ ही जाएगा। उसका बात करने का भी तरीका, हर एक ग्रुप में एक दोस्त होता है ना, थोड़ा शांत रहता है। सुमित का ये शांत रहना बहुत क्यूट लगता था सुमित। और इन पांचों दोस्तों में सुमित सबसे कम पैसे वाला था। सुमित के पापा प्राइवेट टीचर थे, घर के खर्च तो बहुत अच्छे से निकल जाता था। लेकिन जो पांच दोस्त थे उनमें सुमित सबसे गरीब था। और आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है, आप लोग तो जानते ही होंगे, शहर से कुछ दूर पर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर नया नया रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय का ठेला बहुत ज़्यादा खुल रहा है। और शाम के वक्त सारे यंगस्टर जा भी रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पर। हर एक शहर की बात है ये। इन पांचों दोस्तों में से एक दोस्त था अभय, उसका बर्थडे था तो सबने बोला कि पार्टी पार्टी, जो कि देना ही था। तो सबने डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे शाम को वहीं पर रेस्टोरेंट में, हम लोग केक काटेंगे। जैसे ही शाम हुई पाँचों दोस्त उसी तरफ निकल जाते हैं। दो बाइक थी, एक पर तीन बैठे थे, एक पर दो। जिस बाइक पर दो बैठे थे उसी पर सुमित बैठा था। पांचों जाते हैं, एक नया रेस्टोरेंट देखते हैं। जो नया वाला रेस्टोरेंट था वो बाहर से दिखने में बहुत खूबसूरत था, क्योंकि गांव का थीम दिया गया था, बहुत अच्छा गांव जैसा बनाया गया था। तो पांचों जाते हैं और वहाँ पर रेस्टोरेंट में केक भी था। तो पहले तो ये लोग केक लेते हैं, और अलग अलग टेबल लगाया गया था, काफ़ी स्पेस भी था। तो एक टेबल पर ये लोग जाते हैं, केक काटते हैं, पोपर फोड़ते हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद अब इन लोगों को खाना भी खाना होता है, तो बैठे होते हैं, वेटर आता है, खाना ऑर्डर भी हो जाता है। तभी सुमित की नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसको देख सुमित की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लग जाती है। वो इंसान था ही ऐसा। इंसान क्या दिखता था, एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अंकल, बहुत गोरे मूछ वाले वहीं पर खड़े हुए थे। उनके पहनावे से तो देखकर लग रहा था कि कोई बड़े आदमी ही थे। तो सुमित की नज़र जैसे ही उन अंकल पर पड़ी, सुमित तो देखता ही रह गया। सुमित बार बार उस अंकल को ही देखे जा रहा था, और इधर उसको डर भी था कि कहीं कोई दोस्त नोटिस न कर ले कि किसको देख रहा है। और अंकल अंकल तो बेचारे एक बार भी इधर नहीं देखे। हमारा सुमित बहुत उदास हुआ। लेकिन खाने आने में टाइम लग रही थी, तो सुमित बोलता है कि रुको तुम लोग, मैं जाता हूँ देखता हूँ खाने में इतने लेट क्यों हो रही है। सुमित को बहाना मिल ही गई। सुमित गया और अंकल के पास से गुजरा। पास से गुजरा तो अंकल नोटिस करेंगे ही। तो अंकल ने सुमित को देखा, सुमित ने अंकल की नज़रों में देखा। और एक बात मैं बताऊँ आपको, आप लोग तो जानते भी होंगे, आप में से कई सारे लोग तो एक्सपीरियंस भी किए होंगे। मान लीजिए कोई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम अंकल आपको पसंद आ जाता है, आप उनके तरफ बार बार देखते हैं, देखेंगे भी, पर अगर वो अंकल इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में तो आप लाख उनके तरफ देख लीजिए, वो इंसान एक बार भी आपके तरफ नहीं देखेगा। अगर मान लीजिए गलती से एक बार देख भी लेता है तो फिर वो कहीं और देखने लग जाता है, इस बात को तो आप मानते होंगे। लेकिन इस केस में यहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि जब दो उसी तरह के लोग एक दूसरे को जो देखते हैं ना, तब देखने का नज़रिया अलग होता है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ, सुमित अंकल की नज़रों में जब देखा तो अंकल भी सुमित की नज़रों में देखे,
और ये देखने का नज़रिया ही अलग होता है। मानो कि नज़रों नज़रों में बातें हो रही हो। बस 5 सेकेंड के लिए भी अगर नज़रे में नज़रे मिलती है, नज़रों से नज़रे, तो पता चल जाता है, लगता है जैसे एक कनेक्शन सा बन गया हो। लेकिन इतना से क्या ही करता, सुमित डायरेक्ट अंकल से बात तो कर नहीं सकता था, तो सुमित सीधा काउंटर पर गया। वहाँ गया, उनसे बोला कि देखिए भैया, हम लोग बहुत देर से ऑर्डर किए हैं लेकिन अभी तक हमारा खाना गया नहीं है। सामने से जवाब आता है, हाँ हाँ भैया, आप जाइए, 5 मिनट के अंदर आपका खाना आपके टेबल पर चला जाएगा। सुमित अपने टेबल की तरफ बढ़ रहा था और बार बार अंकल के तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था, और उसको इस बात का भी डर था कि कहीं अंकल को देखते हुए उसके दोस्त ना देख ले, क्योंकि सारे दोस्त इसी को देख रहे थे। सुमित ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो देख तो काउंटर की तरफ रहा है पर उसकी नज़रें तो अंकल की तरफ थी, और अंकल भी सुमित को देख रहे थे, वो भी एक लिमिट में देख रहे थे ताकि किसी को शक ना हो। सुमित गया, जाकर टेबल पर बैठ गया, और जहाँ पर काउंटर था उसी के बगल में एक और काउंटर था जहाँ पर एक और चेयर लगा हुआ था, उसी पर अंकल बैठे हुए थे, जैसे कि जैसे दुकान के मालिक हो। ये मुझे अभी बताना नहीं था लेकिन बता देता हूँ। तो अंकल वहाँ पर बैठ गए, सुमित जाकर टेबल पर बैठा हुआ था, पर पता है वहाँ पर एक और दिक्कत थी। सुमित जिस चेयर पर बैठा हुआ था ना, उसका जो चेहरा था सुमित का, वो दूसरे तरफ हो जाता, अपोजिट साइड, अंकल जहाँ बैठे थे उसके अपोजिट साइड पर। सुमित क्या करता, बोलता अगर दोस्त से कि मैं उधर बैठूँगा तो बोलते क्यों बैठना है। तो सुमित बैठा, बार बार पीछे देख भी नहीं पा रहा था, पर क्या करता, सुमित बहुत मजबूर था। लेकिन जब भी अंकल की नज़रों में देखा, अंकल ने सुमित को बहुत प्यार से देखा। फिर खाना खाने लगे, खाना खाते वक्त सुमित ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब खाना खाकर हाथ धोने के लिए उठा तो देखा तो अंकल थे ही नहीं। सुमित थोड़ा सा उदास हो गया, और सुमित क्या, उसके जगह कोई भी होता तो उदास होता ही। सुमित को बस यही लग रहा था कि काश एक बार तो अंकल से बातें हो ही जाती, कम से कम नाम पता कुछ तो पता चलती। पर क्या ही कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो ही गया। अब सारे दोस्त आते हैं काउंटर पर बिल जमा करने के लिए, उनमें से जिसका बर्थडे था वो बिल जमा कर रहा था। तभी एक आदमी आता है, बोलता है कि दिलीप सर चले गए क्या? तो जो काउंटर पर आदमी होता है वो इधर उधर देखता है, फिर बोलता है हाँ लगता है शायद चले गए, उनकी गाड़ी भी नहीं दिख रही है। तब धीरे धीरे सुमित को ये पता चल गया कि जो अंकल थे उनका नाम दिलीप था, है, और वो इस रेस्टोरेंट के मालिक है। तो सुमित को लगा चलो कुछ तो पता चला। फिर सारे दोस्त वापस घर चले गए। अब सुमित पूरा दिन रात अंकल के बारे में सोच रहा था कि अंकल से कैसे मिला जाए, कैसे बातें हो। तो शाम को जब सारे दोस्त इकट्ठा होते थे तो सुमित बोलता था चलो ना भाई, वहाँ से घूम कर आते हैं ढाबे के पास, खाना बहुत अच्छा खिलाता है। पर और दोस्त बोल देते थे कि नहीं यार छोड़ दो। ऐसे करते 4-5 दिन बीत गए, कोई जाने को तैयार ही नहीं था। और सुमित ज़्यादा जिद भी नहीं करता, ज़्यादा जिद करता तो ये भी पूछ सकते थे दोस्त कि ऐसा क्या है जो तू इतना जिद कर रहा है। तो सुमित ने कुछ बोला नहीं, और उसके अगले दिन सुमित ऑटो से गया। मैं बोला ही था कि सुमित का फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो सुमित के घर बाइक तो थी पर उसके पापा लेकर जाते थे। तो सुमित ऑटो से ही गया, वहाँ जाकर उतरा, और जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर किया दिलीप अंकल को देखता है। दिलीप अंकल जैसे ही सुमित को देखते हैं बहुत ही प्यार से सुमित को देख रहे होते हैं, सुमित भी देख रहा होता है। सुमित अगर जाकर टेबल पर बैठता तो कोई वेटर जाता पूछता कि सर क्या चाहिए, पर सुमित डायरेक्ट काउंटर पर गया। काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था, उनसे बोला कि सुनिए भैया एक चाय भिजवा दीजिए वहाँ पर। सुमित गया, जाकर टेबल पर बैठ गया, और अपना जो चेहरा था अंकल के तरफ, चाय आया, चाय पीते पीते अंकल को देखे जा रहा था। अंकल भी सुमित को देख रहे थे।
देखने का कार्यक्रम शुरू था। जितना देर चाय चली, सुमित को अंकल को देखने की आदत इस कदर लग गई कि सुमित अगले दिन भी वहाँ पर पहुँच गया। पर अफसोस, अंकल उस दिन नहीं थे। सुमित गया, चाय पिया, वापस घर आ गया। अगले दिन फिर सुमित गया। सुमित अक्सर शाम को 6 बजे जाया करता था। उस दिन दिलीप अंकल थे। सुमित लगभग 7-8 दिन से रोज जा रहा था। 6 बजे के आसपास जाया करता था। अंकल कभी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। और अंकल के बारे में मैं आपको बता दूँ तो अंकल शाम को कभी कभी आते थे ऐसे ही। अंकल भी दिन भर नहीं थे, वहाँ नहीं रहते थे, उनका और भी बिजनेस है, तो इसीलिए अंकल से मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन अंकल को इस बात का एहसास हो गया कि सुमित जो है वो उनके लिए ही आता है, और सुमित के लिए ही अंकल आजकल उसी टाइम पर आ रहे हैं। सुमित एक दिन ऐसे ही चाय पीकर आया काउंटर पर बिल देने के लिए। सुमित काउंटर पर खड़ा था पैसे देने के लिए। तब तक दिलीप अंकल जो पैसा लेता है काउंटर पर, उससे बोलते हैं कि सुनो, मैं 2 दिन दुकान नहीं आऊँगा, मुझको कहीं जाना है। अंकल ऐसे बोले जैसे सुमित सुन ले और सुमित को ही बोल रहे थे। तो सुमित को लगा कि हाँ, अंकल मुझे ही बोले। सुमित चला गया। सुमित 2 दिन आया नहीं। 2 दिन गया, सुमित 3-4 दिन नहीं आया। लेकिन अंकल जब वहाँ से लौटे थे जहाँ गए थे, उसके बावजूद भी अंकल 2 दिन लगातार आए थे दुकान पर, पर सुमित नहीं गया था। सुमित को लग रहा था कि शायद अंकल अभी नहीं आए होंगे। और दोस्त भी तो थे सुमित को, शाम को पूछ भी देते हैं कि कहाँ जाता है आजकल। तो बहाने बनाकर उसके अगले दिन सुमित चला ही गया। गया, चाय पिया, और जैसे ही बाहर निकला, तब तक अंकल भी ऐसे टहलते, फ़ोन से बातें करते, वो भी बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि सुमित जाता किधर है। तब तक देखते हैं कि सुमित जो है वो ऑटो ढूंढ रहा है। अंकल को इस बात से बहुत बुरा लगता है कि सुमित ऑटो से आता है मेरे लिए। अंकल क्या करते हैं कि जाते हैं फिर काउंटर के पास, वहाँ से अपनी कार की चाबी लाते हैं और कार को वहाँ घुमाते हैं, और फिर सुमित से बोलते हैं, छोड़ दूँ कहीं आपको। सुमित बोला कि मुझको शहर जाना है। अंकल बोले, मुझको भी जाना है उधर ही। तो सुमित को बोला, आइए ना, बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझको भी उधर जाना है। सुमित कार में बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अंकल ने पूछा कि आपका नाम क्या है। सुमित अपना नाम बताए, अंकल भी अपना नाम बताए। अंकल बताए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा यहाँ भी रेस्टोरेंट है, शहर में भी 1-2 दुकानें हैं। नाम बताए, सुमित बोला, हाँ मैं जानता हूँ। सुमित बताया कि हाँ, मेरे पापा ये करते हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसके बाद अंकल ने एक बात बोली, सुमित तुम बहुत मासूम हो, मुझे लग रहा था कि तुम कुछ बोलोगे मुझसे, पर ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कुछ बोलना पड़ेगा। सुमित मुस्कुराया। अंकल बोले कि क्यों नहीं बोलते हो मुझसे कुछ। सुमित बोला कि डर लगता है। अंकल बोले, अरे मुझसे क्या डरना, जो बोलना हो मुझसे आप बोल सकते हो। सुमित बोला कि अंकल आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके लिए रोज आता हूँ। अंकल बोले कि हाँ, मुझे पता है कि आप मुझे मेरे लिए ही आते हैं, आप भी मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप ऑटो से आते हैं मेरे लिए। तो सुमित बोला कि हाँ अंकल, वो क्या करे, डेली पता नहीं क्यों खुद को रोकता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों आपको देखने का मन करता है। अंकल इमोशनल हो गए, उसका हाथ पकड़े, बोले कि इतना प्यार करते हो मुझसे। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किए। अंकल ने सुमित को उतार दिया जहाँ से उसका घर नज़दीक था। अंकल भी उसी शहर में ही रहते थे, वहाँ से अक्सर अपने सारे जहाँ जहाँ उनकी दुकानें रेस्टोरेंट थी वहाँ जाया करते थे। सुमित घर चलाया। अब सुमित को ऑटो से रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अंकल से अब सुमित की अक्सर बातें हो जाया करती थी। दोनों खूब बातें किया करते थे। अंकल से सुमित का प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दोनों का प्यार बढ़ा। फिर कभी कभी दोनों मिल भी जाया करते थे। दोनों खूब मिलने लगे। अंकल अपनी गाड़ी लेकर आते थे, सुमित उसमें बैठ जाता था। दोनों खूब घूमते थे, कभी कभी किस भी किया करते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे,
दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ी, चल क्या पड़ी, दौड़ पड़ी थी। एक बार का इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। अंकल तो कभी कभी रेस्टोरेंट जाया ही करते थे, तो एक बार सुमित भी अपने दोस्तों के साथ गया था रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए। वहाँ पर दिलीप अंकल भी बैठे हुए थे। उस दिन सुमित को ये एहसास हुआ कि जलन क्या होती है। पता नहीं क्यों, पर जब दिलीप अंकल इनके तरफ देख रहे होते हैं ना, तो सुमित को जलन सी हो रही थी कि मेरे दिलीप अंकल, मेरे दिलीप जी इन लोगों को ना देखे। पता नहीं, शायद प्यार में ऐसा होता हो। सुमित को लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे हैं, अपना हक समझता था। और दिलीप अंकल के भी मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर एक जलन सी होती है। ये बातें बस ऐसे ही बताने के लिए, और कुछ हुआ नहीं। बाकी दोनों का तो प्यार चल ही रहा था। अब आगे मैं कुछ भी बताऊंगा तो कहानी में आप लोग बोर हो जाइएगा। दिलीप अंकल तो शहर में रहते ही हैं। रूम जब भी दिलीप अंकल का खाली होता था, घर वाले कहीं जाते थे, तो सुमित को बुला लिया करते थे। शुरू शुरू में तो सिर्फ दिलीप अंकल ही सुमित को प्यार करते थे, समझ जाइए आप लोग। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। प्यार का मतलब आप लोग समझ जाइए, बस दोनों का प्यार मोहब्बत चल रही है। और हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोग से एक बात बोलनी थी, मेरा एक और YouTube चैनल है योर अनिकेत ब्लॉग्स करके, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है आजकल कहीं एक चैनल डिलीट हो जाए, तो मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर से। लव यू आप सबको।